नवांशहर की अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नवा तहसील, जी हाँ नवा तहसील जो सरकार के अंदर आती है, सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपने सभी प्रशासनिक कार्यालयों को और ध्यान दे, लेकिन जब सरकार ही अपनी आंखों को मूंद लेगी तो इंसाफ की मांग किससे की जाएगी, अपनी जरूरतों को पूरा करने की मांग किससे की जाएगी। सरकारी कार्यालय में जब किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाएगी कर्मचारियों को, तो कर्मचारी किसके लिए काम करेंगे। बता दें कि तहसील कार्यालय की दीवारें इस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं कि वहां पर काम करने वाले सभी, कार्यालय में काम करने वाले सभी लोग हर पल अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां बैठते हैं और जिन पर जान का खतरा हमेशा बना रहता है। उपखंड मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवा तहसील भवन काफी पुराना होने व जगह जगह से पट्टियों के टूट जाने से भवन के हालात काफी दयनीय हो गए हैं। कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर आमजन के कार्य को मजबूत तहसील परिसर में कर रहे हैं। तहसील भवन के कमरों में अनेक पट्टियां क्षतिग्रस्त होने की वजह से हर समय कार्मिकों को व आमजन के साथ हादसा कारित होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन मौन है और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लोकमान्य शक्ति अध्यक्ष नामा सोशल सर्विस सोसाइटी। तहसील मुख्यालय जो है बहुत पुराना हो चुका है, जगह जगह से इसके पपड़े उतर रहे हैं और पट्टियां हर कमरे में एक दो पट्टी टूटी हुई है। इससे क्या होता है, बरसात का दिन है, बारिश तो हर जगह से गिर रही है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मान लो कोई बंदर छलांग लगा दे और पट्टी टूट जाए तो अंदर बैठे हुए कार्मिक एवं मशीनें सब कुछ नुकसान हो सकता है और हादसा हो सकता है। इस हादसे टलने के लिए नए भवन का निर्माण जरूरी है।